सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए अंक में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग विनोबा से जुड़ा एक प्रसंग आपके सामने रखेंगे। ये प्रसंग अभी विनोबा की 125वीं जयंती शुरू हो रही है 11 सितंबर से, तो इसलिए क्या चीज़ थे विनोबा ये जानना ज़रूरी है। और विनोबा के बारे में ये दिलचस्प जानकारी है कि वो जन्म से काफ़ी चीज़ें जानने लगे थे, बहुत छोटी उम्र से चीज़ें समझने लगे थे, लेकिन नौजवान होते होते सन्यासी होने की प्रवृत्ति उनमें थी और वो हिमालय की तरफ निकल चुके थे जब गांधी जी ने बनारस में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था 15 का। और उसी भाषण को सुन के विनोबा ने अपना जाना पोस्टपोन किया। उनको लगा कि ये एक ऐसा आदमी आ गया है जिसके साथ कुछ सामाजिक काम में हम सहयोग कर सकते हैं और फिर हमको सन्यासी होने की ज़रूरत नहीं है। गांधी ने उनको अपने साथ कोचरब आश्रम में रखा, तब साबरमती आश्रम बनने वाला था, बन रहा था, वहीं वो रहे। तबीयत खराब होने के बाद विनोबा चले गए। वाई एक जगह है महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में। वाई का की ख्याति इसलिए भी है कि वो लक्ष्मीबाई हमारी जो झांसी की रानी थी उनका मायका है। वाई बहुत छोटी जगह है तुंगभद्रा के किनारे, अभी भी 30-35 हज़ार से ऊपर उसकी आबादी नहीं होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। तो विनोबा वहाँ चले गए। गांधी ने उनको कहा कि पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर उसके बाद ये सब काम करना, तो तुम अपना स्वास्थ्य सुधारो, और वो वाई चले गए। गांधी उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में व्यस्त हो गए, तो उनको ठीक याद भी नहीं रहा कि विनोबा कहाँ हैं, कैसे हैं, वो खबर लेनी चाहिए। अचानक फरवरी 18 में जब गांधी मोतिहारी में थे तो उनको विनोबा की एक चिट्ठी मिली। अब विनोबा के बारे में एक चीज़ और पहले मैं बता दूं कि गांधी का उन पर इतना भरोसा था कि जब 40 में गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया देश में, तो विनोबा को पहला सत्याग्रही बनाया। तब तक गांधी के काफ़ी शिष्य हो गए थे और एक से एक बड़े शिष्य थे और सब में एक किस्म की होड़ थी कि अगर महात्मा जी शुरू कर रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह तो किसको व्यक्तिगत पहला सत्याग्रही बनाएंगे। गांधी ने जब विनोबा को चुना तब उन्होंने खुद से विनोबा को इंट्रोड्यूस किया सारे देश के सामने कि विनोबा कौन है और क्यों विनोबा को हमने चुना है। और ये माना जाता है कि गांधी के इस फैसले को लेके नेहरू जी थोड़े दुखी हुए, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि उनको सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए गांधी की तरफ से, क्योंकि वो गांधी के सबसे ज़्यादा दुलारे थे। तो विनोबा ऐसे थे और गांधी उन पर इतना भरोसा करते थे। विनोबा का नाम हम सब लोग बाद के भूदान आंदोलन के चलते जानते हैं कि ज़मीन की समस्या सुलझाने में उन्होंने क्या क्या की और कितना बड़ा वो आंदोलन हुआ, सर्वोदय आंदोलन हुआ, फिर फेल्योर क्या हुए, इन सब चीज़ों का जिक्र मैं कभी और कर सकता हूँ। लेकिन आज के तारीख में ये कि विनोबा कैसे बने, इसकी कहानी। विनोबा काफ़ी विद्वान थे, साधु प्रवृत्ति के ही नहीं थे, विद्वान काफ़ी थे। आश्रमवासियों के लिए उन्होंने जो गीता पे प्रवचन किया है वो मेरे ख्याल से गीता पे सर्वश्रेष्ठ किताब है। 20-21 दिन के रोज़ के प्रवचन हैं और कोई भी सामान्य आदमी अगर गीता को जानना चाहता है तो गीता की वो किताब पढ़े। इसी किस्म से उन्होंने कुरान पे प्रवचन किए थे जेल की कैदियों के सामने, वो कुरान सार वो किताब है। तो इस तरह की विद्वता उनकी थी, सभी धर्मों की जानकारी, काफ़ी सारी भाषाएं जानते थे और जिस काम में लग जाते थे फिर आगे पीछे नहीं देखते थे। तो ये प्रकरण जो आज हम सुनेंगे, जो बताएंगे, वो वाई का है जब उनको गांधी जी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजा था और वो वाई में रहे और उन्होंने क्या क्या किया ये उन्होंने मोतिहारी चिट्ठी से भेजा। गांधी वो चिट्ठी पढ़ के इतने उत्साहित हुए कि बार बार अपने साथियों से पढ़ते थे और आज भी अगर जब मैं आपके सामने ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो पर्चे का सहारा लेना ज़रूरी है, क्योंकि उस चिट्ठी में इतने काम थे कि उसको आसानी से याद करके मैं आपको नहीं बता सकता। इस चिट्ठी में उन्होंने शुरुआत की कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का फैसला पहले लिया था, वो और पक्का हुआ है। नारायण स्वामी जी वहाँ एक बड़े विद्वान थे, उनकी देखरेख में मैंने उपनिषदों, गीता, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य, मनुस्मृति, पतंजलि योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन किया है
और इससे ज़्यादा पढ़ने का मोह अब मुझे नहीं रह गया है, मुझे लगता है कि मैंने ज्ञान का काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, तो अब इससे ज़्यादा का मोह मुझे नहीं है। ब्रह्मचंद का फैसला मेरा और दृढ़ हुआ है। रोज़ मैं पैदल 12 मील चलता हूँ, 300 सूर्य नमस्कार करता हूँ, 6 से 8 सेर अनाज रोज़ पीसता हूँ, और अपना अनाज पीसने के साथ दूसरों का अनाज भी पीसता हूँ, और उसकी सिलाई उसके पिसाई से जो पैसा मिलता है वो मैं यहाँ एक मैंने वाचनालय बनाया है उसमें लगाता हूँ। नमक खाना जीवन भर के लिए छोड़ दिया है, दूध ले रहा हूँ, दूध भी छोड़ना चाहता हूँ। गीता पे यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनसे थोड़े पैसे जो मिलते हैं वो भी वाचनालय में लगाता हूँ। ज्ञानेश्वरी और उपनिषदों की कक्षा भी चला रहे हैं जिसमें समाज के सब लोग आते हैं और उनको मैं ये सब पढ़ाता हूँ। खुद हिंदी अच्छी तरह न जानते हुए भी मैं यहाँ हिंदी का प्रचार कर रहा हूँ, हिंदी लोगों को सिखा रहा हूँ। 2 बच्चे मुझसे अंग्रेजी सीखने आते हैं, मैं उनको अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हूँ। 400 मील की यात्रा मैंने आसपास की है और गीता पे 50 से ज़्यादा प्रवचन दिए हैं इस यात्रा के दौरान। 15 विद्यार्थियों का एक विद्यार्थी मंडल बनाया है जो आपस में हम लोग बात करते हैं और वाचनालय चलाते हैं, और ये बच्चे भी चक्की चला के जो कमाई करते हैं वो वाचनालय में देते हैं। इसके अलावा मैंने अपने उपयोग के लिए लकड़ी की थाली, कटोरा, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और किताब भर अपनी संपत्ति रखने का फैसला किया है। इससे ज़्यादा संपत्ति मैं पूरे जीवन में फिर नहीं रखूँगा। मैंने आस्वाद का फैसला किया है, आस्वाद मतलब जीभ के किसी टेस्ट के चक्कर में न पड़ूँगा, जो भी मिलेगा और पौष्टिक होगा उतना खा लूँगा बस। विदेशी साधनों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का फैसला पक्का है। और फिर उन्होंने पिता तुल्य गांधी से सलाह और अपने रूटीन में बदलाव का सुझाव देने की मांग की है। गांधी ये चिट्ठी पढ़ के गदगद हो गए और बार बार कहते रहे कि मैं पिता तुल्य तुमको मान सकता हूँ अपने बच्चे के जैसा, लेकिन तुमको सलाह देने की क्षमता मुझ में नहीं है। और फिर जब उन्होंने चिट्ठी लिखाई तो पहला ही वाक्य यही लिखवाया जवाब कि आज मच्छेंद्र गोरख से हार गया है। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येन, तो गांधी ने यही लिखा है कि आज चेले ने गुरु को हरा दिया है। तो ऐसे विनोबा थे और ऐसी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ काम करके वो इतने दृढ़ हुए कि गांधी ने उनको 40 में, ये 16-17 की घटना है, और 40 में गांधी उनको सार्वजनिक जीवन में ले आए। और फिर विनोबा ने गांधी के आंदोलन में और मुल्क में गांधी के बाद के मुल्क में किस किस्म का आंदोलन चलाया ये सबने देखा। ऐसी तैयारियां, इतनी मजबूती गांधी के आंदोलन में और समाज का बड़ा काम करने वालों में ज़रूरी है, और ये एक उसका उदाहरण है कि किस तरह से विनोबा तैयार हुए। और अकेले ये विनोबा का किस्सा नहीं होगा, उस आंदोलन में जो लोग आए, आज के भी समाज के जो काम करने बड़े लोग निकले हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, वो सब इसी किस्म के निश्चय और इसी किस्म के रूटीन से, इसी किस्म के काम से आगे बढ़ते हैं। तो विनोबा का प्रसंग उसी को याद कराने के लिए है। ये 125वां साल है उनका, पता नहीं आयोजन किस किस्म के होंगे, लेकिन हम उनको इस तरह से भी याद करें तो ये अपने आप में एक बड़ा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।